जब से ट्विटर पर बायकॉट बॉलीवुड ट्रेंड हुआ है तब से अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। बॉलीवुड के कई सारे एक्टरों ने तो उसका सपोर्ट भी किया है तो कई सारे एक्टर इसके खिलाफ भी हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसके खिलाफ यानी बॉलीवुड बायकॉट पर किस एक्टर ने अपनी क्या राय रखी है। पहले नंबर पर आते हैं अनुराग कश्यप। सुर्खियों में बने रहने वाले अनुराग कश्यप ने भी बायकॉट बॉलीवुड पर अपनी राय दी थी। अनुराग कश्यप ने बॉलीवुड नाउ से कहा, समस्या ये है कि लोगों के पास पैसे नहीं है। पनीर पर तो जीएसटी दे रहे हो, खाने के लिए भी जीएसटी दे रहे हो, उससे ध्यान हटाने के लिए ट्रेंड होता है बायकॉट बॉलीवुड, लेकिन लोगों का उस पर ध्यान जाता है ना कि पनीर पर जीएसटी लगने वाले पर ध्यान जाता है। दूसरे नंबर पर आते हैं करण जौहर। करण जौहर की आने वाली फिल्म लाइगर के एक्टर विजय देवरकोंडा ने फिल्म लाल सिंह चड्ढा का सपोर्ट किया था। इंडिया टुडे से बात करते हुए विजय ने कहा, जब आमिर खान सर एक लाल सिंह चड्ढा बनाते हैं तो उनका नाम फिल्म में स्टार के तौर पर होता है, लेकिन उस फिल्म में 2000 से 3000 परिवार जुड़ा होता है। जब आप एक फिल्म का बायकॉट करते हैं तो केवल आप आमिर खान का नहीं करते बल्कि उन 2000 परिवारों का बायकॉट करते हैं। आप उन हजारों परिवारों को प्रभावित कर रहे हैं जो रोजगार का माध्यम खो देते हैं। फिलहाल आपकी इस पर क्या राय है, फिलहाल दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तीसरे नंबर पर आती हैं तापसी पन्नू। तापसी पन्नू की फिल्म दोबारा हाल ही में रिलीज हुई। सिद्धार्थ करण के साथ इंटरव्यू में तापसी ने कहा कि अगर अक्षय और आमिर का बायकॉट हो सकता है तो हमारा क्यों नहीं, दोबारा का भी बायकॉट होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि अब एक ट्रेंड बन गया है बायकॉट करना। तापसी पन्नू ने यही कहते ही उनकी फिल्म को भी लोगों ने जो है बायकॉट करना शुरू कर दिया और हाल ये रहा कि थिएटर में उनकी फिल्म को कुत्ता भी देखने नहीं गया और बुरी तरह फिल्म जो है थिएटरों में पिट रही है। चौथे नंबर पर आते हैं अक्षय कुमार। हिंदुस्तान टाइम्स के साथ इंटरव्यू में अक्षय कुमार कहते हैं कि फिल्मों के बायकॉट करने की शरारत कुछ लोग करते हैं, मेरा अनुरोध है कि ऐसा वो ना करें। एक फिल्म को बनाने में बहुत से लोगों की मेहनत और पैसे लगते हैं। हाल फिलहाल में रिलीज हुई अक्षय कुमार की रक्षाबंधन भी थिएटर में कुछ अपना खास कमाल नहीं कर पाई दोस्तों। पांचवें नंबर पर आते हैं हमारे आमिर खान। लाल सिंह चड्ढा का जिस तरह बायकॉट किया गया उसके बाद आमिर खान एक वीडियो वायरल हुआ। एक इवेंट में आमिर खान बोले, मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता हूँ, जिनको फिल्म देखनी है नहीं देखनी है मैं उन सभी की इज्जत करता हूँ, क्या और मैं इस पर क्या कह सकता हूँ, लेकिन मैं कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी फिल्में देखें। छठे नंबर पर आते हैं द कश्मीर फाइल्स के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री। विवेक अग्निहोत्री ने एक इवेंट में कहा कि बायकॉट करना एक निजी अधिकार है, हम महिला सशक्तिकरण आदिवासी और जानवरों के अधिकारों की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि बायकॉट करना भी अधिकार है। बड़ी बात यह है कि बायकॉट की नौबत आई क्यों, फिलहाल इस बारे में तो आप भी हमें बता सकते हैं कि आखिर बायकॉट की नौबत क्यों आई। सातवें नंबर पर आते हैं पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी ने एक कैंसिल कल्चर पर अपनी राय दे रखी है। इंडिया टुडे से बात करते हुए पंकज त्रिपाठी ने कहा, लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि फिल्में सरकार के राजस्व को बढ़ाने में बड़ा माध्यम है। यह पैसा समाज के बेहतरी में इस्तेमाल होता है, लेकिन सहमति हो या नहीं यह सबकी अपनी निजी राय है। आठवें नंबर पर आते हैं अर्जुन कपूर। अर्जुन कपूर ने भी बायकॉट बॉलीवुड पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि अब बहुत हो गया है, जिस तरह बॉलीवुड को बायकॉट कर रहे हैं वक्त आ गया है कि सभी सितारे एक हो जाएं और इसके खिलाफ जो है कड़ा एक्शन लें। फिलहाल दोस्तों आपको इन सभी की राय कैसी लगी और किसकी राय आपको ज़्यादा प्रभावित लगी आप हमें कमेंट करके अवश्य बता सकते हैं। जब के लिए जय हिंद।